How are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read about pollution. Now, mixing of unwanted particles or substances to the environment is called pollution. पॉल्यूशन क्या होता है, आप देखते हैं कभी धुंध छाई होती है बाहर, आप घर से बाहर निकलते हैं आपको धूप नज़र नहीं आती है और बिल्कुल वाइट पूरे एनवायरनमेंट में आपका जो है भरा हुआ होता है, तो वो सब क्या है आपका पॉल्यूशन, जिसको आप स्मॉग कभी फॉग कहते हैं। तो वो सब पॉल्यूशन कैसे होता है, कुछ अनवांटेड पार्टिकल्स जो हैं वो एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाते हैं और उसकी वजह से जो हमारी जो एयर है वो पॉल्यूट हो जाती है। नाउ रीड टीचर, what is pollution? Pollution kya hai? Student, when unwanted substances are added to the environment around, it is called pollution. Jab unwanted substance environment mein mix ho jate hain to wo kya hota hai? Pollution. Now teacher, what makes air polluted? Hawa ko kya cheez pollute kar deti hai, kis wajah se hawa polluted hoti hai? Student, smoke from vehicles and chimneys of factories pollute the air. जो धुआं निकलता है हमारे जो गाड़ियाँ होती हैं और जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, फैक्ट्रीज़ की चिमनी से जो धुआं निकलता है गंदा, वो हमारी एयर को पॉल्यूट कर देता है। टीचर, व्हाट फॉर्म्स गार्बेज एट होम? अब घर में जो ये कूड़ा कचरा होता है ये किसकी वजह से होता है, कैसे बनता है? स्टूडेंट, ऑल टाइप्स ऑफ वेस्ट फॉर्म गार्बेज एट होम। अब हमारे घर में जो भी वेस्ट होता है, हम सब्जी काटते हैं उसका वेस्ट बनता है, खाना खाते हैं बच जाता है उसका वेस्ट बनता है, तो वो सब क्या है हमारा? गार्बेज। टीचर, व्हाट टाइप ऑफ वेस्ट आर जनरली थ्रोन आउट फ्रॉम हॉस्पिटल्स? जो हॉस्पिटल्स होते हैं जनरली उनसे किस तरह का कूड़ा कचरा, किस तरह का गार्बेज प्रोड्यूस होता है, कैसा जो हम फेंकते हैं वो कैसा होता है? स्टूडेंट, जनरली नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट आर थ्रोन आउट फ्रॉम द हॉस्पिटल्स। अब हॉस्पिटल से जो गार्बेज जो वेस्ट बाहर फेंका जाता है वो जनरली कैसा होता है? नॉन डिग्रेडेबल होता है। टीचर, हाउ डज सॉइल गेट पॉल्यूटेड? जो सॉइल होती है हमारी, मिट्टी होती है, वो कैसे होती है पॉल्यूटेड? स्टूडेंट, केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स यूज इन एग्रीकल्चर पॉल्यूट द सॉइल। जो मिट्टी में जो हम केमिकल्स यूज करते हैं, कीड़े वगैरह मिट्टी में हो जाते हैं तो दवाई डालते हैं उसको, हम पेस्टिसाइड्स डालते हैं वहाँ पर, तो उसकी वजह से जो हमारी सॉइल होती है वो पॉल्यूटेड हो जाती है। टीचर, हाउ डू रिवर्स गेट पॉल्यूटेड? अब जो नदियाँ हैं वो पॉल्यूट कैसे होती हैं? स्टूडेंट, रिवर्स गेट पॉल्यूटेड बाय मैन एनिमल्स एंड फैक्ट्रीज। हम लोग क्या करते हैं, अपने घर का जो कूड़ा कचरा होता है उसे कहाँ फेंक देते हैं? नदियों में। तो ऐसे ही जो एनिमल्स और फैक्ट्रीज जो भी नदी में डाल दी जाती हैं उसकी वजह से जो नदियां हैं वो पॉल्यूटेड हो जाती हैं। टीचर, हाउ शुड वी सेग्रीगेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट एट होम? अब घर में जब अलग अलग तरह का जो वेस्ट होता है उसको हम किस तरीके से सेग्रीगेट कर सकते हैं? सेग्रीगेट करना मीन्स उसको अलग अलग डिवाइड करना कि कौन सा जो है वो कहाँ फेंकना चाहिए और कैसा जो वेस्ट है उसको कहाँ डालना चाहिए। तो ऐसे जो सेग्रीगेशन है उसको किस तरह से करेंगे? स्टूडेंट, वी शुड सेग्रीगेट द डिफरेंट वेस्ट इंटू डिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट। कैसे करना चाहिए, कौन सा डिग्रेडेबल है और कौन सा नॉन डिग्रेडेबल है, तो इस तरीके से हम जो वेस्ट होता है उसको डिवाइड कर सकते हैं। टीचर, व्हाई शुड वी रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक? अब प्लास्टिक यूज़ करने के लिए मना किया जाता है, आपको स्कूल में भी कहा जाता है कि प्लास्टिक की बॉटल्स प्लास्टिक की चीज़ें आपको नहीं लेके आनी है, तो क्यों क्यों करना चाहिए इसका यूज़ हमें कम से कम? स्टूडेंट, बिकॉज प्लास्टिक प्रोड्यूसेस नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट। क्यों? क्योंकि ये नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट को प्रोड्यूस करता है। टीचर, हाउ डू फैक्ट्रीज कॉज पॉल्यूशन? अब फैक्ट्री किस तरीके से पॉल्यूशन का कारण बनती हैं? स्टूडेंट, दे कॉज पॉल्यूशन थ्रू स्मोक एशेज एंड वाटर मिक्स्ड विद डेंजरस केमिकल्स। किस तरीके से जो वहाँ से धुआं निकलता है, जो राख होती है और जो वहाँ के केमिकल्स होते हैं, जो मिक्स्ड केमिकल्स होते हैं पानी में मिला के वो लोग फेंक देते हैं, तो वो सब कारण किस चीज़ का होता है? पॉल्यूशन का। टीचर, व्हाट आर द वेस्ट जनरेटेड बाय कंप्यूटर्स कॉल्ड? अब कंप्यूटर के द्वारा जो वेस्ट
जनरेट किया जाता है उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. क्या है वो? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. टीचर, व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग? अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है स्टूडेंट? द राइज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. जो एवरेज टेम्परेचर है जब वो बढ़ जाता है पूरी पूरे वर्ल्ड में तो उसको ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है. टीचर, व्हाट कॉज ग्लोबल वार्मिंग? अब ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है स्टूडेंट? कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस कॉज ग्लोबल वार्मिंग. कार्बन डाइऑक्साइड और जो अदर ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है. टीचर, हाउ कैन वी रिड्यूस पॉल्यूशन? पॉल्यूशन को हम कम कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स? वी कैन रिड्यूस पॉल्यूशन बाई रेजिंग द हाइट्स ऑफ चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज, सेटिंग दैम अवे फ्रॉम ह्यूमन कॉलोनीज, प्योरीफाइंग देयर वेस्ट वाटर, मेकिंग एन इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट एंड बाई रिसाइकलिंग द वेस्ट. कैसे कर सकते हैं पॉल्यूशन को रिड्यूस? जो फैक्ट्रीज या घरों की भी जो चिमनियाँ बनती हैं उनको ऊपर, उनकी जो हाइट है उसको बढ़ा दिया जाए, ह्यूमन कॉलोनी से उनको ऊपर उठा दिया जाए, और जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको रिसाइकिल किया जाए. अगर हम जो रिसाइकिल करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा प्रदूषण कम होता है. तो देखा बच्चों आपने, आज आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पता चला, किस तरह से पॉल्यूशन क्रिएट होता है उसके बारे में पता चला. तो हमें इस सब चीज़ से रोकना है. हमें पॉल्यूशन कम से कम किस तरीके से हो सकता है, किस तरीके से पॉल्यूशन को हम ख़त्म कर सकते हैं, हमें वो स्टेप्स फॉलो करने चाहिए. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू नाउ. इट्स टाइम टू रिवाइज, यू कैन रिवाइज इट.